मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में पुलिस अधीक्षक धर्मराज सिंह मीणा ने अचानक कसरावद थाने का औचक निरीक्षण किया। वहीं पुलिस थाने की व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लिया। थाना प्रभारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं पत्रकारों से चर्चा करते हुए पुलिस अधीक्षक धर्मराज सिंह ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। हमारे डीजीपी सर के निर्देश है कि हमारे सभी थानों का औचक निरीक्षण होना चाहिए और थानों की व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। वहाँ से आम जनता को जो सुविधा की अपेक्षा है वो सुविधा उनको मिलनी चाहिए। आम जनता की समस्याओं का निराकरण होना चाहिए। साथ ही साथ जो थाने का बेसिक वर्क है वो भी बेहतर होना चाहिए। तो उसी दृष्टिकोण से आज मैं कसरावद थाने में आया हूँ। यहाँ के थाना प्रभारी SDO की और थाने के स्टाफ से मैंने चर्चा की है और अनेक चीज़ें जो थाने की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, यहाँ की नाइट गश्त के लिए ज़रूरी है, निर्देश मैंने आज थाना प्रभारी और इनके स्टाफ को दिए। निश्चित रूप से आने वाले समय में इसके अच्छे परिणाम सामने। सर, निश्चित ही जब युवा लोगों को इस पोस्ट पे देखते हैं तो कुछ नए प्रयोग भी सामने आते हैं। सर, किस तरीके से आप साइंस का भी उपयोग इसमें करते हैं, तो कोई नई चीज़ आप बताना चाह रहे थे? निश्चित रूप से आने वाले समय में दुर्घटनाओं को कम करने के दृष्टिकोण से और यहाँ के यातायात को सुगम बनाने के दृष्टिकोण से हम लोगों ने काफ़ी सारी योजनाएँ बनाई हैं और उस योजनाओं को हमने जामा आने वाले समय में बनाएंगे। साथ ही हमारे जवानों को हम प्रशिक्षित कर रहे हैं, तो नए समय के जो अपराध हैं जैसे कि साइबर क्राइम है या हमारे जो नए कानून हैं उसके दृष्टिकोण से जवानों को ट्रेन किया जा रहा है, जिससे कि इन्वेस्टिगेशन और क्राइम का डिटेक्शन बहुत ही बेहतर हो सकते हैं। हमारा प्रयास है कि नए समय के हिसाब से हमारे पुलिसिंग के पैटर्न में भी बदलाव लाया जाएगा और कोशिश किया जाएगा कि आम नागरिक की तरफ उन्मुख और आम नागरिक के चिंता करने वाली सेंसिटिव पुलिस हम लोग बना सकते। खरगोन से अब्रार पठान की रिपोर्ट।